तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले एक अच्छा सा क्वेश्चन समझते हैं। और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक सॉलिड स्फीयर है जिसका मास m है और जिसकी रेडियस a है, सराउंडेड सिमेट्रिकली बाई ए यूनिफॉर्म तीन स्पेरिकल सेल ऑफ इक्वल मास एंड रेडियस 2a। ठीक है ना, आपकी सुविधा के लिए ये मैं इसका 3D व्यू डायग्राम बना दिया हूँ। ये सेल है, सेल मतलब होता है अंदर से खाली है, और ये एक सेम मास का सॉलिड स्फीयर है, और इसकी रेडियस प्यारे बच्चों, ठीक है, जो सॉलिड स्फीयर है उसकी रेडियस ए है, और ये जो सेल है इसकी रेडियस 2 टाइम्स ए है, ऐसा बताया जा रहा है। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड एट ए पॉइंट 3a/2। 3a/2 कितना होता है भाई? 3a/2 होता है 1.5a। तो 1.5a क्या है? लेस देन 2a है बट ग्रेटर देन a है, समझ रहे ना? तो ये वाला व्हाट इज 5 5/a कितना होता है? 5a/a इक्वल टू 2.5a होता है, दैट इज 2.5a इज ग्रेटर देन 2a। मतलब ये आ जाएगा आउटसाइड, आउटसाइड ऑफ बोथ, दोनों के आउटसाइड। ये दो सवाल है हमारे पास। तो ये देखो यार, जो मैं चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ ना प्यारे बच्चों, उस चीज़ को आपको मतलब अप्रिसिएट करो, और उसको चीज़ को कमेंट करो कि यार सर ने कितने बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किए हैं इस चीज़ को। तो ये यहाँ से तुम देखोगे, सबसे पहले सेल क्या होता है। सेल अगर ये होलो सेल है, कोई भी अगर होलो सेल है आप देख रहे हो, तो ये आपको मैं बता दूँ, होलो सेल है। तो ये एक सेल है, सेल मतलब ये थीन होलो सेल है जिसकी कुछ ये जो है वो थिकनेस नेगलिजिबल है। दिस थिकनेस इज बेसिकली नेगलिजिबल। तो यहाँ पर अंदर में सेल का कोई भी फील्ड एग्जिस्ट नहीं होता है, कोई भी फोर्स नहीं लगता है। अगर तुम यहाँ खड़े हो जाओगे, ठीक है, या कोई भी मास यहाँ रख दोगे भाई, तो उस पर जो फोर्स लगेगा, फील्ड लगेगा, जीरो। इनसाइड जो होता है, इनसाइड इनसाइड जो फील्ड होता है वो बेसिकली जीरो होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड, और ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो होगा क्योंकि फील्ड ही जीरो है। लेकिन बाहर में तुम देखोगे सेल की प्रॉपर्टी है, तो ये ऐसे बिहेव करता है जैसे पूरा का पूरा मास इसके सेंटर पे हो। ऐसे बिहेव करेगा कि पूरा मास, ये जो मास, उसके सेंटर पे हो। तो बाहर में तो फोर्स और फील्ड होता है, यहाँ पर बाहर में तो फोर्स और फील्ड नॉट इक्वल टू जीरो है, और आई होप कि आपको फार्मूला आता होगा। तो अंदर में जीरो है और सरफेस, और बाहर में जीरो नहीं है, बस इतनी सी बात आपको ये जानना है। तो चलो, ये सेल है, तो यहाँ पर तुम देखोगे, तो यहाँ पर जो यहाँ पर देखोगे तो फील्ड जीरो होगा ड्यू टू सेल, ड्यू टू सेल, सेल का जीरो होगा, बट इट इज़ नॉट इक्वल टू जीरो ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, ड्यू टू सॉलिड सॉलिड स्फीयर। तो जो अंडर में सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस ए है प्यारे बच्चों, उसका यहाँ पर तो जीरो नहीं होगा, लेकिन सेल का क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो जो 2a पॉइंट है वो लाई करेगा कुछ यहाँ पे। तो ये जो है 1.5, ये वाला जो डिस्टेंस है दैट इज़ बेसिकली 1.5a। तो यहाँ पर तुम देखोगे इस पॉइंट P पर, तो इस पॉइंट P पर तुम देखोगे तो इसका जीरो नहीं होगा, जबकि इसका यहाँ पे जीरो होगा। तो अगर जीरो नहीं होगा तो होगा कितना? तो ये पूरा का पूरा जो गोल होता है बॉडी, ये जो पूरा सॉलिड है और ये गोल है, तो ऐसे बिहेव करता है जैसे पॉइंट मास हो, सेंटर पर मास है, और ये डिस्टेंस कितना है भाई? 1.5, मतलब 3a/2 है। तो पॉइंट का फार्मूला लगा तो ऐसे बिहेव करेगा जैसे पूरा सेंटर पे हो। तो ग्रेविटेशनल फील्ड की जो वैल्यू आती है वो होती है जीएम ओवर आर का स्क्वायर ड्यू टू पॉइंट मास। ये क्या है? पॉइंट मास के बराबर होता है। तो अगर पॉइंट मास के बराबर होता है तो ये आ जाएगा जी कैपिटल मास एम, और ये 3a/2 का भाई होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा कि कितना आ जाएगा भाई, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स gm ओवर 9a का स्क्वायर। दिस इज द फाइनल सोल्यूशन पार्ट फर्स्ट। तो ये दिस इज द ये पार्ट ए जो है वो डन हो गया, और यही नेट फील्ड जो देखोगे तो सेल का गया जीरो, और इसका डायरेक्शन किधर होगा यहाँ पे भाई? ग्रेविटेशनल है, तो इस पे जो इस फील्ड की डायरेक्शन है इधर होगी, और अगर यहाँ पर पार्टिकल रखोगे तो वो इधर की डायरेक्शन में फोर्स फील करेगा। यार मैं बहुत बेसिक सब कुछ बताता हूँ, तो नेट जो है वो नेट 9a/(t)=0 बनेगा। कुल मिला के जो है 4 टाइम्स G m/(9a²) बनेगा। तो दिस इज द फाइनल सोल्यूशन ऑफ द पार्ट फर्स्ट। तो आई होप कि पार्ट फर्स्ट आपको क्लियर हो गया। बात करते हैं पार्ट टू की। तो इसमें जो पार्ट टू है, अगर बात करोगे प्यारे बच्चों, तो पार्ट टू में देखो जो पॉइंट लिए हो,
ये जो पॉइंट है वो बाहर में है, तो ये जो पार्ट टू में अगर पॉइंट करोगे तो ये पॉइंट यहाँ 2.5, ये सेंटर से ये डिस्टेंस है, ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट ये वाली डिस्टेंस कितना है, तो 2.5 a है, 5/2 है, दिस डिस्टेंस इज 5/2। तो अगर ये पॉइंट देखोगे तो ये ऐसे बिहेव करेगा कि दोनों दोनों सेंटर पे मास बिहेव करेंगे, तो दोनों का यहाँ पे फील्ड बनेगा भाई, दोनों का फील्ड बनेगा। तो एक सेल यहाँ पर ये 5/2 है, एक सॉलिड है तो वो भी पॉइंट मास ऐसे बिहेव करेगा, और ये जो है जो 2a वाला है वो भी मास यही पॉइंट पे बिहेव करेगा। तो कुल मिला के जो पॉइंट है अपना, तुम देखोगे यहाँ से ये वाली डिस्टेंस, हाँ 5/2 है, तो 5/2 a है, तो इस पॉइंट पर अगर तुम देखोगे तो फील्ड की वैल्यू इन दोनों मास की वजह से भी बनेगा, वो दोनों मास कितना हो जाएंगे भाई, 2f। तो यहाँ पर जो हाँ फील्ड की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी जी 2m ओवर डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस भाई, दिस डिस्टेंस r, तो ये डिस्टेंस r का स्क्वायर, तो ये कितना बनेगा 2gm, और r की वैल्यू डाल दूँ तो 5/a और 2 का स्क्वायर, ठीक है, तो 5/2 का स्क्वायर दैट इज 4, दैट इज 8gm, और ये आ जाएगा 25, 25 a स्क्वायर, दिस इज द फाइनल सोल्यूशन ऑफ द पार्ट टू। तो ये पार्ट टू का सोल्यूशन है, पार्ट वन का सोल्यूशन है। आई होप कि आपको बेस्ट एक्सप्लेनेशन लगा होगा 3D व्यू के साथ बच्चों, मैं समझाया हूँ, और बच्चों ऐसा वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, बहुत टाइम लगता है, तो आप पूरी तरह से मुझे सपोर्ट करो, तो आई होप आपको इन्जॉय किए होगे इसको। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।